ओके तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज मैं तुम लोगों के लिए माइनक्राफ्ट कुछ कॉपीज गेम लेकर आ चुका। मगर क्यों? कॉपीज गेम लिटरली बहुत मजे की होने वाली है, एंड लास्ट वाली को मिस मत करना, वो बहुत मजे की कॉपी गेम है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एंड उससे पहले मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो अगर तुम लोगों ने मुझसे बात करनी है। एंड मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तुम लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। एंड चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी जरूर कर दो। तो मैं तुम लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना मैंने तुम लोग का टाइम वेस्ट करना था वो मैंने कर लिया। एंड तो चलते हैं अपनी सबसे पहले अपनी फर्स्ट वाली माइनक्राफ्ट कॉपी गेम की तरफ। ओके तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट गेम निकल के आ रही है उसका नाम है लोकी क्राफ्ट 2। एंड ये गेम पहले यहाँ पे मैं स्किन चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी की, तुमने लगा सकते हो एंड मुझे स्किन का क्या। एंड सबसे पहले सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस कलर मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस किया हुआ इन्होंने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ इन्होंने यहाँ पे। एंड यहाँ पे तुम लोग वर्ल्ड भी लगा सकते हो, मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो। एंड गाइस आप देखते हैं कि ये कितने टाइम पे मतलब लोड होगा, एंड यहाँ पे इसको मैं वर्ल्ड का नाम कुछ भी नहीं रखूंगा, एंड सिंपली मैं क्रिएटिव लूंगा, मुझे पता है भाई क्रिएटिव लूंगा। और अब वेट करते हैं कि कितना टाइम लेके ये लोड होगा, मिलता हूँ फिर आपसे। ओके तो ऑलराइट गाइस, फाइनली आप मैं वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ काफी टाइम के बाद। यहाँ पे लॉर्ड इन्होंने मुझे फेंका इस वर्ल्ड के अंदर, बट फेंक दिया है तो अब मैं आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हर तरफ स्नो स्नो है, और यहाँ पे गाइस तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने तौर पर टेक्सचर पैक इन्होंने चेंज किया हुआ है रियल माइनक्राफ्ट से, और करना भी चाहिए भाई, वरना अगर ये सारा कुछ वैसे रखते तो कॉपी कॉपी आगे ही बोलते हैं, ज्यादा लोग कॉपी बोलते हैं। तो गजब बेइज्जती है। यहाँ पे तुम लोग मैं थोड़ा सा ऊपर जाकर दिखा देता हूँ तुम लोग को, यहाँ पे इन्होंने चेंज किया हुआ है सब कुछ, टेक्सचर पैक एंड माइनक्राफ्ट की कॉपी गेम है तो थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज करना ही था ना भाई। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया, ज़्यादा चेंज नहीं है पहले बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंज है, बट गेम बहुत अच्छी है एंड लैग नहीं करता। एंड ओब्वियसली ऐड तो आएंगे ही, एंड उसके अलावा ये तुम लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया हुआ है यहाँ पे। एंड डायमंड की पिकेक्स को देख सकते हो तुम लोग, इन्होंने कैसे किया हुआ है, रियल माइनक्राफ्ट में तो ऐसा नहीं होता, बट थोड़ी बहुत कॉपी है तो अच्छी गेम है, ठीक है। एंड तुम लोग को कैसी लगी नीचे तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, एंड मुझे अच्छी लगी है। एंड फिलहाल तो यहाँ पे यही है, मतलब देख सकते हो यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, बट यहाँ पे इन्होंने अपना टेक्सचर पैक भी लगाया हुआ है। एंड ये गेम मुझे अच्छी लगी है, तुम लोग को कैसी लगी तुम लोग बता सकते हो। एक दफ़ा मैं नीचे जाकर चेक करता हूँ एंड देखते हैं कि लाइक बंदा मतलब, एक दफ़ा नीचे जाकर चेक करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे एक दफ़ा नीचे जंप कर देता हूँ मैं। ओ तुम लोग देखा भाई देखा, एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे स्नो है तो लाइक बंदा नीचे चला जाता है, स्नो है ना तो स्नो की वजह से बंदा नीचे चला जाता है, एंड ये शायद रियल माइनक्राफ्ट में नहीं है। एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं बाइक चलता हूँ, ये ना हो मैं यहाँ पे फंसा रहूँ। ओके गाइस, तो तुम लोग को ये गेम कैसा लगा तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो, और इसको 10 में से जितना रेटिंग देना चाहो दे सकते हो, मैं इसको 10 में से 9 दूंगा क्योंकि मुझे ये गेम बहुत अच्छी लगी है। एंड तुम लोग को कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। ओके फाइनली मैं यहाँ पे अपनी सेकंड गेम की तरफ आ चुका हूँ, एंड सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग सेटिंग इसकी देख सकते हो। एंड ये कैसा गेम है भाई, नल्ला गेम है भाई सीरियस, लाइक सारा कॉपी नहीं है ये, लाइक मुझे तुम लोग देखो आगे चल के ये गेम कैसा है, लिटरली भाई अजीब सा गेम है, तुम लोग देखिए एक दफ़ा। एंड थोड़ा सा इसको लोड होने दो, देख देंगे कैसा है, बट है अच्छा गेम, मैं तुम लोग को बताता हूँ। माइनक्राफ्ट जैसा नहीं है बट हट किया, लेकिन अच्छा गेम, इसको कॉपी नहीं बोल सकते बट हट के गेम है, लेकिन मुझे अच्छा लगा है ना तो इसलिए मैंने इसको माइनक्राफ्ट कॉपी में डाल दिया है। एंड तुम लोग देख सकते हो बट नॉर्मल ही गेम है, बट मुझे ठीक ही लगा क्योंकि इन्होंने माइनक्राफ्ट जैसा नहीं किया हुआ, बट ठीक गेम है। तुम लोग को ये कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसको भी 10 में से तुम लोग रेटिंग देना, ठीक है। एंड देख सकते हो सब कुछ अलग है, माइनक्राफ्ट रियल माइनक्राफ्ट और माइनक्राफ्ट कॉपी गेम से ये गेम बिल्कुल अलग है, तुम लोग देख सकते हो। एंड इसलिए ये तुम लोग देख सकते हो इसमें ये सब कुछ है, एंड ये सब कुछ इसमें शॉर्ट वोट सब कुछ चेंज है भाई, सब कुछ बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ चेंज है। एक दफ़ा तुम लोग इसको डाउनलोड कर ज़रूर देखना, एंड ये देख सकते हो इसका डोर कैसे खुल रहा है भाई, एक दफ़ा अंदर चल के मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। सीरियसली ये गेम बिल्कुल अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट कॉपी गेम से तो हट कर ही है, एंड अच्छा है बिल्कुल, ठीक है। एंड तुम लोग को कैसा लगा नीचे मुझे बता सकते हो। और आप बात कर लें इसके टेक्सचर पैक की, तो टेक्सचर पैक इसमें लाइक मैं अब क्या ही बोलूँ, टेक्सचर पैक इसमें नहीं है, देख सकते हो है अगर चेंज है सब कुछ माइनक्राफ्ट से, तो मैं यही घूम फिर कर ये बात बोलूँगी ये माइनक्राफ्ट से अलग गेम है, तो तुम लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना। एंड या गाइस
एंड यहाँ थोड़ा सा आगे चल के यहाँ मैं पेड़ काट के देख सकती हूँ, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे पेड़ भी लिटरली अजीब से कट रहे हैं। एंड ये गेम थोड़ी बहुत मुझे पसंद आई है। एंड तुम लोग को कैसा लगा नीचे अपना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सब कुछ अलग गया, ठीक है, तो यही बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। एंड यहाँ गाइस तुम लोग को ये गेम कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड मुझे अच्छा लगा है, लिटरली मैं इसको 10 में से 7 तो दे ही दूंगा, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट से हटकर गेम था, तो 10 में 7 मैं इसको दे रहा हूँ। तुम लोग जितना दे रहे हो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड अब चलते हैं फाइनली जिसके लिए तुम इतना इंतज़ार कर रहे थे, लास्ट गेम की तरफ। एंड वो गेम मैं तुम लोग को पहले बता रहा हूँ, लिटरली माइनक्राफ्ट का जो ओल्ड क्राफ्टमैन का जो ओल्ड वर्जन था ना, 0.15.10 से भी ओल्ड वर्जन, वो वाला वर्जन है, तो उस गेम को भी तुम लोग जरूर ट्राई करना। तो चलते हैं। ऑलराइट गाइस, फाइनली ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और ये क्राफ्टमैन का ओल्ड वर्जन है क्राफ्टमैन वर्ल्ड ओल्ड वर्जन है, ठीक है ये इसका। एंड यहाँ पे प्ले पे एक दफा सेटिंग में एंड प्ले पे जाता हूँ, मैं वर्ल्ड क्रिएट कर देता हूँ। एंड ये देख सकते हो गाइस लिटरली बहुत अच्छा वर्ल्ड है, एक दफा सेटिंग में जाके इसको मैं ठीक करता हूँ। एंड ऑलराइट यहाँ पे मैंने ठीक कर लिया। एंड देख सकते हो लिटरली ये गाइस ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा मैं इसको 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि ये गेम जिन लोगों को का क्राफ्टमैन का 0.15.10 से भी एक वर्जन था, एंड उसमें ये गेम बहुत अच्छा है। एंड मुझे भी वो गेम याद आ गई, तो लिटरली मैं इसको 10 में से 10 दूंगा। तुम लोग कितना दे रहे हो तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में। एंड गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम लोग इस गेम को एक बार ट्राई करके ज़रूर खेलना। एंड जो लोग क्राफ्टमैन के फ़ैन है तो वो लोग लाइक इसको गेम को ट्राई करके ज़रूर खेलिएगा। एंड यही है इसमें सब कुछ चेंज, यही मैं इसका क्या ही करूँ, इसमें ये वही क्राफ्टमैन का ओल्ड वर्जन है, तो लाइक बहुत अच्छा है। तुम लोग को कैसा लगा मुझे बता सकते हो। एंड या आज के लिए इतना ही। एंड आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड डिस्कॉर्ड को ज़रूर ज्वाइन करना, बिकॉज अगर तुम लोगों ने मेरे से बात करना है तो वो डिस्कॉर्ड सर्वर पर ही तुम लोग कर सकते हो, उसके अलावा तुम लोग मुझे नहीं कर पाओगे। तो डिस्कॉर्ड ज़रूर ज्वाइन करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।